हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज एडवीक। स्वागत करता हूँ अपने चैनल फेस जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय नौसेना का जो है आपका प्रोफाइल है, उसको आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको गाइड देने वाला हूँ कि किस तरह से जो है आप जो अपना प्रोफाइल है उसको किस तरह से आप अपडेट करिए। पहले जो पिछला वीडियो है, मैंने आपको बता रखा था कि पिछले वीडियो में जो है आपको अपना जो मोबाइल नंबर अपडेट करना है, नया वाला जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ थी, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो आपको है प्रोफाइल जो है आपको अपडेट करना है। तो ये जो न्यूज थी, ये है ऑफिशियल न्यूज, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल न्यूज और कहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो है आपको क्या अपडेट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहला जो अपडेट था वो ये था, एस्पिरेंट्स आर टू अपडेट आधार लिंक मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी मोबाइल नंबर वो वाला अपडेट करना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो। ठीक है, ये पहला न्यूज़ था। देन अब इसमें इसी में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो सेकंड न्यूज़ है, तो ये देखिए जो व्हाट्स न्यूज़ सेक्शन पे आपको मिल जाएगा इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, कि ऑल रजिस्टर्ड यूज़र मस्ट अपडेट देयर प्रोफाइल नाउ टू बी एबल टू सी द फोर्थ कमिंग एंट्रीज। यानी आगे आने वाली वैकेंसीज को वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, उसको उसमें भाग ले सके, तो उनको क्या करना है, अपने प्रोफाइल को क्या करना है, अपडेट करना है। मैंने जो है अपना जो है किसी कैंडिडेट्स का जो है लॉगिन आईडी जो है मैंने उस लिया और उससे लॉगिन किया है, और मैं अपने माई अकाउंट में सेक्शन में मैं जाता हूँ, और जैसे ही माई अकाउंट सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो है लॉगिन जो पेज है आपको खुला मिलेगा यहाँ पर। तो जो आपको लॉगिन सेक्शन में जाने के बाद जो ये आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल खुलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, माय डैशबोर्ड, यानी अभी मैं कहाँ हूँ, माय डैशबोर्ड पे हूँ। ठीक है, तो माय डैशबोर्ड में जाना है, और यहाँ पर जो है आपको तीन चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसने जो क्या किया है, अपना सारा प्रोफाइल जो है इसने अपडेट कर लिया है। तो इस सेक्शन में आप अभी देख पा, अभी जो आपको मिल रहा होगा ऑप्शन चेंज पासवर्ड, एजुकेशन पार्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जिन जिन अभ्यर्थियों का जो है अपडेट करने का, जो जैसे आधार कार्ड लिंक अपडेट करना है, आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो जिनका अपडेट नहीं होगा उसके यहाँ पर कुछ ऑप्शन और बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आधार अपडेट आधार कार्ड का यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पर जुड़ जाएगा कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स के नीचे, उसके नीचे और है मोबाइल नंबर अपडेट करने का। तो जिनका अपडेट नहीं रहेगा उनको ऑप्शन मिलेगा। इस बंदे ने क्या किया, अपना प्रोफाइल अच्छी तरीके से अपडेट कर लिया है। देन इनको सिर्फ तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है, पहला जो है चेंज पासवर्ड, दूसरा एजुकेशन पार्टिकुलर्स, कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स, ये तीन चीज़ें ऑप्शन यहाँ पर मिल रही है। और आपको जैसे मैंने बता रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एड्रेस वन, एड्रेस टू, ठीक है, और यहाँ पर यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, जिसका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, जिसने अपना जो है प्रोफाइल अपडेट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर मोबाइल वेरीफाइड का जो है जो यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल जो है आधार कार्ड से जो लिंक है वो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक्ड हो, तो जब यहाँ ग्रीन टिक हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका मोबाइल जो है वेरीफाइड है। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इसने ऐड किया है, सारे डॉक्यूमेंट जो है इसने अपलोड कर दिए हैं पार्टिकुलर। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको अपना देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट करनी है पिछले उसमें। ठीक है, यहाँ पर फिर एडिट प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, और उसके बाद जो है आपका सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपने क्या क्या डाल के रखा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल एड्रेस, फादर नाम। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से जो है आपको अपडेट करना है वीडियो की, किस तरह से जो है आपको अपना प्रोफाइल जो है अपडेट कर सकते हैं, ये वीडियो जो है उसी के लिए है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए करेंगे मेरे वीडियोस के। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपने जो वैल्यूबल कमेंट है उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू।